मॉर्निंग ड्यूटीज कचरा फेंकने चलता है और मैं आप लोगों को ट्रैश कैन दिखाता हूँ। तीन जो ग्रे वाले ट्रैश कैन हैं, इन दोनों से किसी एक में कचरा डालना हमारी हालतें देखिए। आज बाय द वे कंवल ने बनाई है मटन बिरयानी और उसके साथ साथ हम लोगों ने 2 पंखे अपने लिए यहाँ पे रखे हुए हैं कि खाना ठंडा हो जाए, क्योंकि मैं गर्म खाना खा नहीं सकता। और उसके साथ साथ जो पुराना ब्लॉग है वो चल रहा है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है। क्या ये वीडियो चल रही है? हाँ, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है जो की आप लोग देख चुके हैं इस चैनल के ऊपर। रिव्यू वीडियो नहीं, क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज इट कॉल्ड, अनरैपिंग, अनबॉक्सिंग। So I thought about sharing it with you guys. How hard is this line? How hard is it? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। Anywho, so this is the biryani and this is apple juice. I will finish this today. Why do I feel like it's expired? I am also allergic to apples, तो मैं ये भी नहीं पी सकती। मतलब बहुत सारी एलर्जी है, पता नहीं कौन से आसमान से आई हूँ मैं। इट्स ओके कंवल, इट्स नॉट फॉरएवर, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन सून। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर डाइट। बेस्ट बिफोर सी द टॉप ऑफ द पैक। ओके, 5th July। ओके, आई हैव 1 month, राइट? नो, इट्स 25 टुडे, सो यू हैव 10 days hardly. I'll finish this today, inshallah. Must plan. So I will enjoy my biryani while I watch myself on the big screen. Because he is a big fan of himself. I love myself. He is obsessed. You should love yourself as well before you can love somebody else. That's the motivational quote for today. Who said it? I said it. Jana, aha, nachiya. Somebody is enjoying the vlog. Hey somebody, you like the vlog? मैं कमेंट्स का इंतजार कर रही हूँ ताकि पता चले कि कौन जीता है स्ट्रॉबेरी चैलेंज में। बेटा वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। आई विल विन। वॉच द वीडियो टिल द एंड। वेट, वॉच द वीडियो टिल द एंड। 238 grams, 238 grams ज्यादा है। वो ज्यादा है, फायदा हुआ ना? नहीं ना। क्यों? देखो, 2 पाउंड की 400 ग्राम मिलती है, राइट? तो 1 पाउंड की 200 ग्राम मिलनी चाहिए। तो हमें 1 ग्राम की, ओ सॉरी, 1 पाउंड की 400 थोड़ी मिल रही है। 1 पाउंड की 238 ग्राम अगर स्ट्रॉबेरीज निकल के आ गई तो ये तो फायदा हुआ ना। मेहनत भी तो की ना तुमने। कोई बात नहीं, मेहनत भी तो की। वो वाली भी स्ट्रॉबेरीज जो उनको तो भी काटना होता है ना। मुझे नहीं ना, उसमें मेहनत थोड़ी होती है। आई थिंक समबडी इज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम टेकिंग अ डिफीट। It's okay, Kanwal. It's okay. It's okay. Say it's okay. Accept it. कि हार गई हो. Accept it. Do it. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. क्या तुमने बदतमीजी की है? Proving my point. कहीं तो मुझे कोई जिता दे जिंदगी में, कुछ तो, कभी तो कोई अपनी गलती माने। कोई भी नहीं मानता, हम ही मानते रहते हैं और हम ही उसी के ऊपर खुश होते रहते हैं। कंवल इट्स ओके, छोड़ दो, मैं खुद बना लूंगा। कोई बात नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बंदा जो है अच्छी चाय बना सकता हो। इट्स ओके, तुमसे नहीं बन रही है तो मैं बना लूंगा। ओसामा, तुम ना अभी ओवर हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। I knew it. लेकिन तुमने अभी यही बोला था ना कि अब तो तुमने मुझे ललकार दिया है। हाँ, तुमने अभी यही बोला था ना कि तुमने अभी मुझे ललकार दिया है। चलो ट्राई कर लो। What do you want? एक तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए इतना करे, माशाल्लाह। You don't count it. बेगम, I appreciate you very much. Thank you so much for doing whatever you are doing. फगुनिया तो हमार जान है रे, जान। तोरा को इतना चाहते हैं, 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 कितना चाहते हैं, क्या बताएं। चाय आ चुकी है, थैंक यू सो मच माय कैक्टस मग, माय चाय। देखने में तो कंवल अच्छी लग रही है, वैसे लुक्स नाइस। ऐसे अंधेरे में देखो, लाइट जलाने जा रही हो क्या? ओ हो क्या बाहर आ गई जिंदगी में, वाह वाह वाह। चाय का कलर देखिए, चाय भी आ गई है और पक्की भी लग रही है, सॉलिड दूध पत्ती टाइप। अब हम इसका टेस्ट देखेंगे। आई एम प्रेटी श्योर कंवल ने स्प्लेंडा कम डाली होगी, तो मुझे डालनी पड़ेगी स्प्लेंडा। जरा एक चाय का चुस ले लें हम, एक चुस। चुस इज अ न्यू वर्ड आई हैव लर्न फ्रॉम दिस रैंडम व्लॉग व्हिच कंवल वॉचेस सम लड़की इन कोरिया। चुस चुस लेते हैं हम। बाल से कर लूं पहले। यस, डेफिनेटली स्प्लेंडा कम है। कितनी डाली है? कौन सा चम्मच? पूरा भर के नहीं डाला होगा। डाल दो यार एक थोड़ा सा, देखिए गरम है यार। चलिए, एक्चुअली मेरा इरादा तो था चाय बनाने का उठ के, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खेलता हूँ आदमी कार्ड। तो क्योंकि कंवल उठ चुकी थी, मैंने कहा कि अगर मैं इसको साइकोलॉजिकली इस सब टॉन्ट करूंगा ना, तो ये मुझे खुद चाय बना के दे देगी। मुझे तो बोलने की जरूरत ही पड़ेगी। क्या खेला है, क्या खेला है, वाह 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 वाह। सिर्फ उठती हूँ एक जगह से और क्या करने जा रही हो? जिम जा रही हूँ, लेकिन बंदी बोल रही है। इसने मुझे बोला अच्छा चाय बना दो, तो कहने लगा नहीं नहीं तुम जाओ, नहीं नहीं मैं बना लूंगा, नहीं नहीं तुम जाओ। तो कैसे जा सकता है बंदा? कोई एक टाइम ऐसा है कि मैं चूल्हे के सामने ना खड़ी हूँ। बेगम, थैंक यू सो मच यार, तुम्हें चाय बना के दे दी, लेकिन इट वॉज योर चॉइस, इट वॉज योर चॉइस। आप मेरे ऊपर नहीं, यू कैन नॉट पिन इट ऑन मी। ऐसी मगलूम, यू कैन नॉट पिन इट ऑन दिस मगलूम, दिस इज नॉट हैपनिंग। आपको जिम ही नहीं जाना था, आपको वैसी बहुत गर्मी लग रही है, आपको जाना ही नहीं था जिम। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा तो हम चलते हैं यार। दिस डेली व्लॉगिंग इज नॉट इजी एट ऑल। मतलब मैं पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ, और फिर उसके बाद अगले दिन क्या करना है, या सेम डे मुझे क्या वीडियो बनानी है उसका सोचो, उसका उसके लिए तैयारी करो, कंटेंट बनाओ। उफ, एवरीवन हु इज मेकिंग वीडियोस एवरी डे, अपलोडिंग देम एवरी डे। अगर आपकी जिंदगी में सिवाय वीडियोज के कोई और काम नहीं है तो फिर इट मेक सेंस, but if you're doing multiple things in your life, you're studying, you're working, you're juggling between multiple things, and still you are able to upload one video every day, hats off to you all. मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे कल जाना है warehouse, but I miss watching TV as well. So मैंने अब अपना laptop बंद कर दिया है. I'm switching off. I want to watch some TV, have my protein yogurt with strawberries and some dried fruits and enjoy life. I'll see you when I see you. Bye. I think this is my lucky day today. मैं अभी शिफ्ट से वापस आ रहा हूँ, और जब भी मैं ऐसे पहुँचता हूँ बस स्टॉप पे, कभी भी ये बस नहीं आती है, कभी नहीं आती है। उस बस स्टॉप पे 20 मिनट वेट करना पड़ता है, यहाँ पे भी 40 मिनट एक्चुअली वेट करना पड़ता है, बट दिस टाइम बस इज ऑन टाइम। कल व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था, आज अभी मैं शिफ्ट से वापस आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि बस दिख गई है, व्हाई नॉट रिकॉर्ड दैट इज वेल। बड़ी खुशी हुई, 7:04 हो रहे हैं, तो आज मैं इधर इंशाल्लाह जल्दी पहुँचूँगा। आई एम अज्यूमिंग कि शायद मैं 7:20 तक घर पहुँच जाऊँ, लेट्स सी, क्योंकि बस ये वाली बस एयरपोर्ट पर रुक कर जाती है। एयरपोर्ट पे बस आके रुक गई है, तो फिर मुझे सबसे आगे वाली सीट पे जगह मिल गई, मैं फौरन आ गया। अब व्यू एंजॉय करेंगे यहाँ से जब चलेगी ऑब्वियसली। अभी तो एयरपोर्ट पे रुके हैं लोग, अपना सामान उठा के पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आज बेगम साहिबा का हुक्म है कि एस्डा जाना है और वहाँ से ग्लूटेन फ्री पास्ता और स्पेगेटीज लेकर आने हैं, क्योंकि आज उनका मूड हो रहा है स्पेगेटीज और पास्ता बनाने का। आइटम मेरे रखे हुए हैं घर पे, स्पेगेटीज और पास्ता दोनों। थैंकफुली एस्डा हमारे घर के करीब है बहुत ज़्यादा, तो पहले मैं वहाँ जाऊँगा उसके बाद फिर घर जाएंगे। इस वक्त जाते हैं एस्डा और देखते हैं कि अवेलेबल है वो प्रोडक्ट या नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ग्लूटेन फ्री सेक्शन या फ्री फ्रॉम सेक्शन खाली हो चुका होता है, बट आज वीकडे है, फिंगर्स क्रॉस चीज़ें अवेलेबल होंगी। जी फ्री फ्रॉम का सेक्शन तो ये है, लेकिन मुझको पास्ता और स्पेगेटी दिख तो नहीं रहे, इस जगह पे तो नहीं है या मैंने मिस कर दी कहीं पे। ओ ये रहे फ्री फ्रॉम, ग्लूटेन फ्री और स्पेगेटी हो गए। पास्ता ये वाला लेना है, पेनी पास्ता। Okay, got it. Where it stays, way back a year ago. Let's go. मौसम इस वक्त बाहर तो बहुत बेहतर हो रहा है, घर के अंदर कितनी गर्मी का आलम हो गया इस वक्त मुझे पता नहीं है। अभी जाते हैं घर पे, देखते हैं हालत क्या हो गई है यार। अभी बाटम भी जाके सही करता हूँ। चप्पल फंसाई हुई है दरवाजे में, मेरी चाबी जो है वो बैग में पीछे वाली जेब में रखी है, कंवल ने यहाँ पे चप्पल फंसा के दरवाजा खोल दिया। थैंक यू बेगम। ओके क्या हाल है, गर्मी की क्या हाल है? ये रहा पंखा सामने, ये चल रहा है पंखा, एक ही चल रहा है लेकिन। और खाना बन रहा है सर, पास्ता बना रही हो? बता दिया मैंने। कंवल ने बैकग्राउंड में मुझे प्यार हुआ था लगाया हुआ है, लेकिन ये ड्रामा मैंने एक जमाना हो गया देखना छोड़ दिया। मुझे अब इस ड्रामे को देख के ना कुछ होता है। बस इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तुम सुन रही हो, बैकग्राउंड में चल रहा है वो तो अलग बात है। ये होता कहाँ है, कौन सी किसके घर में होता है ऐसे? भाई अरीब कर रहा है, किससे शादी कर रहा है? मुझे पता क्या लगता है कबर, आई थिंक अरीब मर जाएगा इस ड्रामे के अंदर, नहीं बचेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आई हैव अ फीलिंग। तुम अरीब की बात कर रहे हो या तुम साथ की बात कर रहे हो? तुम उसमें भी कंफ्यूज हो गया है ना, तुम्हें ये पता नहीं होगा कि अरीब कौन है। कौन है ये अरीब? वही है ना जो अमीर है। हाँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आई थिंक वो मर जाएगा प्यार में। नहीं प्यार नहीं हो रहा है ना अब उसको, प्यार हुआ इकरार हुआ, अब नफरत है। अब तुम बताओ लेंगे क्या लेंगे? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चलो खैर अभी तो मैं जाऊं जरा मुहा दूं, और मुझे जाकर आज की मेरी ड्यूटी है, आज का मैंने टास्क अपने लिए सेट किया हुआ है कि मैं बाटा बात सही करके छोड़ूंगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा सही है, सही कर लेना। मैं तुम्हारे ड्राई क्लीनिंग का भी पूछ कर आ गई हूँ, बंद हुआ हुआ मैं देख कर आ गया। मैं पूछ कर आ गई सुबह, उसने मुझे बोला कि अगर आप आज देंगी तो आप थर्सडे को ले सकती हैं। एक महीने बाद दे दो। हाँ तो उसने यही बोला कि वैसे मैं सैटरडे और संडे रखता हूँ कलेक्शन के लिए। ही इज गोना चार्ज 15 pounds for 2 pieces। ओह शिट, नो इट इज पॉसिबल। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। सर मैं खुद धो लूंगा, खुद इस्त्री भी कर लूंगा। मैंने सोचा था मेरा जो सूट है जो अभी मैं पहन के गया था कंपटीशन के लिए वो मैं धुलवा लूं। आ जाएगा क्या? नहीं इतनी जोर से बोलना कुछ नहीं आएगा। 15 पाउंड कौन देता है भाई ड्राई क्लीन कराने के? चल रहा है 15 पाउंड इक्वल्स टू दिस इन PKR, दिस इन दिरहम्स एंड दिस इन INR। चल रहा है यार। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि मैं कुछ करने वाला हूँ। टीवी बंद करता हूँ, पहले आंखें बंद सी हो रही हैं थोड़ी, सब आर्ट हो रहा है। आज का काम कल पे करें या कल का काम परसों पे करें, क्या करें? आई थिंक खाना खाकर सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के काम करेंगे। बन गया है खाना, ये है मेरा पास्ता। जो मेरे लिए बनाया पास्ता कंवल ने, और मेरा पास्ता ये है कंवल का पास्ता। देखने में क्या फर्क है सिवाय शेप ऑफ द पास्ता? एग्जैक्टली द सेम। लेकिन अगर कंवल ने ये खा लिया तो भाई जिंदगी आजाद हो जाएगी, तो भाई मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। लेकिन अगर कंवल यही खाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। हेलो ओके, दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग इन द सेम व्लॉग। और अब मैं बाथटब जो मुझे अनक्लॉग करना था उसके लिए काम स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ मैंने YouTube वीडियोस देखी हैं तो आई नो व्हाट आई नीड, और मैंने जो ऑर्डर किया था टेमो से वो भी आ चुका है। तो आई होप कि बाथटब ड्रेन हो जाएगा प्रॉपर्ली। ये सारे टूल बॉक्सेस नहीं चाहिए, इनमें से सिर्फ मुझे दो चीजें चाहिए, एक्चुअली तीन चीजें चाहिए। फर्स्ट मुझे इसमें से चाहिए है ये वाला प्लायर और स्क्रू ड्राइवर चाहिए दो, एक फ्लैट वाला बोला है उस बंदे ने वीडियो के अंदर, और एक उसने बोला है कि 4 मुंह वाला प्लायर चाहिए होगा। ओके आई थिंक दिस इज इट। हम ये 3 चीजें लेंगे और चल पड़ेंगे बाथरूम की तरफ। बहुत आसान था यार ये तो। टडा, ऑल क्लीन ऑल क्लियर। बड़ा आसान था यार, इतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी मुझे लग रहा था। ये व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया था वो कचरा फेंकने से स्टार्ट किया था और कचरा फेंकने पे खत्म कर रहा हूँ। इस व्लॉग में बहुत कुछ किया और बहुत कुछ नहीं भी किया हम लोगों ने। सी जब आप घर से बाहर ज्यादा नहीं निकल रहे होते, इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी आउटसाइड, यू आर नॉट शॉपिंग, यू आर नॉट गोइंग आउट फॉर डिनर्स एंड मोर, तो जिंदगी थोड़ी सी बोरिंग टाइप हो जाती है for most people, not for us, because this is what we do daily and we enjoy it. On that note, खुश रहें, मजे करें, मेरे ब्लॉग्स देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को भी लाइक करें, अपना सपोर्ट दिखाएं। दिस इज मी ओसामा सिद्दीकी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड दैट्स हाउ आई डू माई थिंग।